अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सौरभ के खिलाफ इतनी नफरत स्प्रेड करना बंद कर दे। तो तू ना उसके साथ मिलना जुलना बंद कर दे। Are you mad? Have you lost it? कुछ भी बोल रही है। अरे वो मेरा फियांसे है, मेरी शादी होने वाली है, उससे मिलना बंद कर दे, कुछ भी। तो शादी कैंसिल कर दे। टाइम है तेरे पास अभी भी, नहीं तो आगे जाके तू पछताएगी। मैं पछता लूंगी, यू गेट इट? वो मेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है शनाया, क्योंकि तू मेरी बहन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन को आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो या फिर वो सफर करे, मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी बात प्लीज मान ले। तू कोई मेरी बहन नहीं है। तू ना एक्चुअली दुश्मन के जैसे बिहेव कर रही है। बहन होती तो मुझे सपोर्ट करती, तू मुझे मेरे फियांसे के खिलाफ भड़का रही है। आर यू सीरियस? शनाया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। यू नो व्हाट, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, स्टे अवे फ्रॉम माय लाइफ एंड फ्रॉम माय मैटर्स। अगर मैं तेरे मैटर में आई ना तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर मैंने राजवी के खिलाफ एक शब्द बोल दिया ना, यू आर गोना हेट मी। सो जस्ट स्टे अवे। शनाया तू शौर्य के लिए मेरे साथ लड़ाई कर रही है, फाइट कर रही है। आई मीन सीरियसली, शौर्य के पहले तो हम दोनों का रिश्ता है ना, बहनों का रिश्ता। हाँ राइट, बहनों का रिश्ता, सही बोल रही है। तुझे ये अपना बहनों वाला रिश्ता निभाना ना, ये बहन धर्म। तो एक काम कर, मेरे लिए अच्छा सोचती है ना, मेरे लिए अच्छा करना चाहती है, तो जा राजवीर को जाकर बोल कि वो करण सर को जाकर बोले कि जो बेस्ट थ्री कंपनीज उन्होंने राजवीर को दिए वो सब कुछ वो शौर्य को दे दे। एंड आई एम श्योर करण सर तो राजवीर की बात टालेंगे नहीं, क्योंकि राजवीर तो करण सर का और सबका ही फेवरेट है, राइट? वो सारी बेस्ट थ्री कंपनीज सिर्फ और सिर्फ शौर्य डिजर्व करता है। And I want शौर्य और ज्यादा पैसे कमाए, वो और ज्यादा रिच हो जाए, और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। वो मेरे और शौर्य दोनों के लिए अच्छा है कि नहीं? So please do that for me, my dear sister. तो कितनी मनी माइंडेड हो चुकी है, मतलब तुझे पता है कि शौर्य कुछ भी नहीं कर सकता। उस तीन कंपनीज को वो डुबो देगा और लॉस में रन करवाएगा, लेकिन फिर भी तू उसको सपोर्ट कर रही है, उसी के बारे में बात कर रही है। अगर अब तूने शौर्य के खिलाफ एक और शब्द बोला ना, रिमेम्बर वन थिंग, तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के खराब हो जाएगा। नॉट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट शौर्य। क्या तू ये सब कुछ क्या बोल रही है? वो जो तुझे मैंने कहा, जाके राजवीर से बोल, और फिर राजवीर तुझे क्या बोलता है वो आकर मुझे बता। And I'm sure, राजवीर तो तेरी बात टालेगा नहीं, तो राजवीर को जाके फोर्स कर कि वो करण सर को जाके फोर्स करे और बोले कि वो तीन बेस्ट कंपनीज जो उन्होंने राजवीर को दिए वो शौर्य को दे दे। That's all. शनाया तू ना अपने दिल से एक बार पूछ कि करण सर राजवीर की बातें क्यों मानते हैं? क्योंकि राजवीर अच्छा है, वो हार्डवर्किंग है, वो पैशन से, वो एम्बिशन से अपना काम करता है, वो अपना बेस्ट देता है वहाँ पे। वो शौर्य जैसा नहीं है कि हर बात पे हंगामा कर दे। जो मैंने तुझे करने को कहा वो जा और जाकर कर, ओके? और तब तक मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट। वाओ, सच में हैंगओवर में सो रहा है। क्या करूं, बात करने आई थी तुमसे, कैसे बात करूं ऐसे? बात में आती हूं। Mom? How are Mom? आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं मैं शौर्य? बता दो ना मुझे एक ही बार, तुम चाहते क्या हो? Calm down, Mom. मेरी आंखें अभी खुली हैं। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ है? गुस्सा नहीं करूं तो करूं क्या? तुम्हें याद भी है तुमने कल क्या किया है? तुम कितना ड्रिंक करके घर आए थे, उसके बाद तुमने तुम्हारे डैड से झगड़ा किया, उनको क्या क्या बोला तुम्हें याद है कुछ भी? ये कौन सी नई बात है? ये तो रोज ही होता है ना मॉम, डैड और मैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे लड़ते हैं। आप इस बात को इतना बड़ा क्यों कर रही है? प्लीज स्टॉप पैनिकिंग। या आई शुड नॉट पैनिक, एक्चुअली राइट, मैं क्यों इतना पैनिक कर रही हूँ, है ना? शौर्य, तुम पहले जब अपने डैड से झगड़ा करते थे ना, तब बात और थी, तब बात तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में थी। लेकिन अगर तुम भूल रहे हो, अब घर में ना एक तीसरा इंसान भी रहता है जिसका नाम राजवीर है, ओके? अब ना सब कुछ चेंज हो गया है शौर्य, लोग चेंज हो गए हैं, रिलेशंस चेंज हो गए हैं। यू नीड टू फोकस, यू नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। राजवीर भी तो हमारी लाइफ में कब से है ना मॉम, कब से डैड और ये राजवीर का एंगल मेरी लाइफ में चल रहा है, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात है शौर्य,
जरा नीचे झांक के देखो, वो राजवीर की मासी घर में सबको ऐसे ब्रेकफास्ट करा रही है जैसे घर की बहू वो हो। From what I understand, घर पे खाना सर्व करना, लोगों को खाना खिलाना, ये काम वालों का काम है, सर्वेंट्स का काम है। और अगर हमारे घर में एक ऐसी औरत है जो ये सब कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? Just consider her as a काम वाला, not as a बहू or something. वैसे भी मैं होती कौन हूँ किसी को कुछ कंसिडर करने वाली, किसी को कुछ बनाने वाली। जो बनाना है वो तो तुम्हारे डैड बनाते हैं ना। पहले उस राजवीर को सीईओ बना दिया, अब उसको चेयरमैन बना रहे हैं। और तो अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि घर का आइडियल बेटा भी बन चुका है वो। तो वर्क फ्रंट पे वो बिजनेस ओनर बनता जा रहा है, घर का आइडियल बेटा बनता जा रहा है, सब कुछ वो ले जाता जा रहा है। श्योर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मॉम, डैड हमेशा से राजवीर से इंप्रेस रहे। I shouldn't be scared about anything else. आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हैं? आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं आप इस सब के बारे में? राजवीर भी हमारे घर में नया नहीं है, डैड वाली प्रॉब्लम हमारे घर में नई नहीं है। I just don't understand, आप इतनी छोटी छोटी बातों को फिर से इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? I just want you to know कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पीस चाहिए मॉम। I want to be at peace mentally. ये बहुत स्ट्रेसफुल होता जा रहा है मेरे लिए, एवरी सिंगल डे राजवीर, डैड, दिस, दैट। प्लीज स्टॉप इट नाउ। Really? What are you talking about, Shaurya? क्या बोल रहे हो तुम? देखो Shaurya, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारे पास जो बचा कुचा हिस्सा है ना वो भी राजवीर लेके जाएगा। लगता है आप मेरी बात समझ नहीं पा रही माँ। I need some peace. मुझे ना ये stressful situations, ये problematic situations, ये pressurizing situations नहीं चाहिए। ना राजवीर ने आए, ना डैड की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए बहुत ज्यादा होती जा रही है, and I'm not able to handle this. And I get it. मैं समझता हूँ, आपकी प्रॉब्लम भी समझता हूँ। ये चारों जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पलकी, राजवीर, राजवीर की मासी और मेरे सो कॉल्ड डैड, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला माँ। ये वक्त की बात है। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। कुछ टाइम बाद आई एम डेफिनेटली गोना शो देम कि Shaurya Luthra क्या चीज है। ये चारों ने मुझे जितना ह्यूमिलिएट किया, जितना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, जो बार 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 मुझे हराया ना, मैं इसका बदला लूंगा जरूर। बट राइट नाउ This Rajveer, this dad, Palki, this situation, please mujhe in sab se dur rakhiye, mujhe thoda sa peace chahiye mom. Shaurya, this is not fair. I've come to talk to you. Shh, listen. Ye lijiye, thoda sa pani pijiye, you'll feel better. Shaurya, dekho, jab hamara koi sab kuch leke jata hai na to usse fight karna to yaar kisse baat kar rahi hu, ye to yahan hai hi nahi. I think I need mental break. Socha tha isko aake bataungi to नीचे जाके झगड़ा करेगा, ड्रामा करेगा, फाइट करेगा, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Are you serious? Damn serious. मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझेंगे आप कहना क्या चाहती? I'm shocked. Why? Why are you shocked? Listen. वेरी सिंपल, आई नो कि हर इंसान अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार करता है। आई गिव यू योर फ्रीडम, बट इन रिटर्न मुझे भी एक फेवर चाहिए। निधि जी, ये बात तो मैं पहले ही समझ गया था, आप हम पे फेवर कर रही हैं, इसके बदले आपको हमसे फेवर जरूर चाहिए होगा। लेन देन का फेवर? एक मिनट, कैसा लेन देन? आप हमारी बेल करवाएं तो इन रिटर्न आपको हमसे क्या चाहिए? वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर, रोका लॉयर आएगा, तुम दोनों की बेल कराएगा, तुम दोनों को यहां से बाहर निकालेगा, तुम्हारी लाइफ को फ्रीडम मिलेगा। इन रिटर्न मुझे मेरी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों प्रीता को मेरी लाइफ से, Luthra हाउस से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।